वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ, सलोने पूछे जाते हैं जो हम बाहर दरवाजे पर बनाते हैं, सीताराम लिखते हैं, साथिया बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, तो इस तरीके से उनको पूछ रहे हैं। पहले जल से वो किया, फिर उसके बाद भोग लगाया। तो इतने मैं पूछ रही थी, इतने दीदी भी आ गए थे, तो फिर टाइम नहीं था, 7:30 बजे तक का ही समथिंग मुहूर्त था, तो उतने में ही जल्दी जल्दी सुबह सारे काम करने थे, तो वही सारी चीज़ें थी। और दीदी जब आए तो फिर दीदी ने इनको राखी बांधी, फिर बच्चों को, फिर यहीं पर। ऐसे में ना अच्छा लगता है, तीज त्यौहार में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं और बहुत मन लगा। और ऐसे में अगर सब चीज़ें होती रहें तो अच्छा लगता है। और मैंने दीदी का फेस इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो अलाउड नहीं था, क्योंकि दीदी अनकंफर्टेबल रहती हैं कैमरे पे, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं चलो, पर ये तो आपको दिखाना था कि दीदी आए थे, तो उस चीज़ के लिए मैं कैसे वो चीज़ कर सकती थी, तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं और रक्षाबंधन है। आप सबको भी मेरी तरफ़ से हैप्पी रक्षाबंधन। और बहुत अच्छा लग रहा है इस मोमेंट्स को देखकर, इस फेस्टिवल को देखकर, क्योंकि इस घर का मेरा ये पहला त्यौहार है और माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से हो गया। परमात्मा ने बहुत अच्छे से सब चीज़ हो गई, सारे त्यौहार मनते रहें यही प्रार्थना करती हूँ परमात्मा से। और ऐसे ही आए साल त्यौहार आते रहें, खुशनुमाम बने रहें। तो ये जो छोटी मोटी यादें होती हैं ना, ये बहुत अच्छी लगती हैं। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें थी, जो ये चीज़ ना, एक मैं ब्लॉगिंग भी आप समझ लो या फिर एक मेमोरी भी समझ लो कि एक याद रह जाती है हम लोगों के साथ कि हमने इस तरीके से ऐसे सेलिब्रेट किया था, ऐसे किया था। और इस वजह से बच्चे तो नहा लिए थे, मैं भी नहा ली थी, हस्बैंड नहीं नहाए थे, उनको मतलब मैं सुबह से उठा रही हूँ 4 बजे से, और बोल रहे हैं हाँ उठ रहा हूँ पर टाइम पर नहीं उठ पाए थे। तो फिर दीदी ने बिगैर नहाए, मतलब वो नहीं नहाए थे, तो दीदी ने तभी राखी बांधी थी क्योंकि टाइम नहीं था, तो इस वजह से। और नेक्स्ट डे जिस दिन की राखी थी उस दिन भद्रा थी, इस वजह से हमने राखी सेलिब्रेट नहीं किया, ना ही हमने उस चीज़ को किया। तो यहाँ पर दीदी को और बच्चों को सबको नाश्ता कराया, लाई की शादी हो गई तभी वो लाइट वाली लाई थी दूल्हे के साथ फ्रंट दिखाने को। सही रहेगा ना, मैं भिजवाती हूँ अपनी मैसेज। फिर दीदी चले गए थे, खाना वाना दीदी ने नहीं खाया, उनको अपने घर भी जल्दी जाना था, तो सुबह सुबह आए थे, तो यही सब चीज़ें थी। जीजू नहीं आए तो इसलिए मैंने उनको भी नहीं लिया, आते तो देखती बट वो आए नहीं, आए थे बट यहाँ नहीं आए। तो जैसे उनको अपनी अपनी समझ रहती है, देखो हम उस हिसाब से नहीं कह सकते हैं, किसी को प्रेशर देकर हम नहीं बुला सकते हैं, ना ही किसी को प्रेशर देकर हम कुछ खिला सकते हैं। तो प्राची ने उस टाइम पे राखी नहीं बांधी थी अपने पापा के, तो इसने अब राखी बांधी है। और यहाँ पर देख लीजिए आप इन दोनों की मस्ती, राखी से पहले कितना वो चीज़ें होती हैं और राखी बांधने के बाद फिर इनकी अपने आप से मस्ती स्टार्ट हो जाती है। अभी आपको इनकी बहुत सारी मस्ती देखने को मिलेगी और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। फिर बच्चों को भी सारा फंक्शन कंप्लीट हो गया था, सब लोग हो गए थे, तो मैंने अब नाश्ता किया क्योंकि सुबह में कुछ नहीं खाया था, सुबह से चाय भी मैंने नहीं पिया था, तो इस वजह से फिर यहाँ पर मैं और हस्बैंड बैठ के नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं था और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। अभी 12:30 के समथिंग टाइम हो रहा है, तो फिर नाश्ता करने के बाद मुझे लंच की भी तैयारी करनी है, लंच भी बनाना है। और देखो बोला तो है जिन बच्चों को कि आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। और चाय पीते पीते काफ़ी कुछ बातें थी, तो वो सब हमने की क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जब हम एक साथ बैठते हैं तभी हम मतलब हर चीज़ के डिस्कशन करते हैं, वरना तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मैं अपने काम में बिज़ी इतनी हो जाती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। और फिर हस्बैंड को भी अपना काम होता है तो फिर उनके काम के बीच नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही तो यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं कि प्राची को जो पैसे मिले थे ना, तो उसके लिए इनकी डिस्कशन चल रही है। तो प्राची बोल रही है हाफ़ एंड हाफ़ कर लेंगे, तो उसने बोला नहीं हाफ़ एंड हाफ़ नहीं करेंगे, मुझे सारे ही चाहिए। तो देखिए ये इनकी मस्ती होती है, इसे कहते हैं भाई बहन का प्यार। तो यहाँ पर मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ और समथिंग लंच की रेडी हो चुका है सारा, सब्जी भी मैं बना ली है, चावल भी बना लिए हैं, रायता तो मैंने सोचा था जब भी बनाऊँगी जब बच्चे आ जाएंगे,
तो बस वही सब चीज़ें करके और थोड़ा सा टाइम लगता है। आज मेरे को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी मेरे को फुर्सत नहीं मिली कि मैं थोड़ा बहुत रेडी हूँ, तो मैं इतना वो भी नहीं किया, मुझे इतना पसंद नहीं आता। तो सब्ज़ी मेरी बन के बिल्कुल रेडी है, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और चावल बनाए थे मैंने, पूरी है और सूखी सब्ज़ी बनाई है, रायता बनाया है। तो ये है मेरी आज की थाली। तो बच्चों को दे देते हैं खाना। खाना वाना खिलाने के बाद जो थोड़ा बहुत काम फैल गया था वो भी समेट लेते हैं किचन में। अभी कोई आया था तो उनको भी चाय वाय बनाई थी, नाश्ता फिर से खोला था, तो वही सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। जब वो चले गए थे तब मैं पीछे से अपना मतलब काम किया मैंने, क्योंकि सामने देखो कोई आपके पास आता है तो थोड़ा सा टाइम आपको भी देना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा बिखेरा जो फैला हुआ था ये सारा समेट देंगे और फिर उसके बाद आराम से थोड़ी देर बैठेंगे और खाना तो सब भोग का दूध समथिंग भोग का दूध फ्रिज में रख दूं। मेरी चॉकलेट रह गई, लड़कियां चली गई उनकी चॉकलेट रह गई, मैं उनको देती चॉकलेट और मेरे दिमाग में से उतर गई, चलो अब आएंगी तब दे दूंगी उनको। और ये उनके चाचा उनके लिए चॉकलेट लेकर आए थे, नंगे पुंगे घूम रहे मेरे ब्लॉग में। अब मैं खाना खा लेती हूँ, सबने खाना खा लिया। मेहंदी कितनी प्यारी लगी ना, सिंपल सी बनाई थी, मन नहीं था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था इस वजह से। और इसमें भी मैंने ऐसी लगाई है, ये तो मुझे बहुत पसंद आती है, सिंपल सोबर और सबसे अच्छी। तो अब मैं अपने लिए लगा लेती हूँ प्लेट, क्योंकि सबने खाना खा लिया है और मैं भी खाना खा लेती हूँ। आप सब भी आ जाइए खाना खा लीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे अपने लिए प्लेट जिसमें हम खाएंगे खाना, अपने लिए प्लेटिंग लगा लेते हैं फटाफट से जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मैं अपनी प्लेट लगा लेती हूँ और इस टाइम भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। टाइम सबको पता है आपको कितना है टाइम में, मैं आज खाना खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ 4:30 बजे खाना। और सुबह में खाने की तैयारी थी जो 1:30 बजे मैंने कर दी थी, क्योंकि यही लंच टाइम होता है तो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी कर देते हैं। इस वजह से मेरे यहाँ सुबह सुबह कोई इतनी जल्दी खाना नहीं खाता है, नाश्ता हो जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे ठंडा खाना पसंद होता है, तो इसलिए मैंने सबको खाना खिलाने के बाद जो किचन था सारा समेट दिया था और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए जो पूरी है वो बना के रख दी थी। मुझे गर्म पसंद नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ी करारी करारी रहती है ना, इस वजह से मुझे ठंडी पसंद आती है। तो मैं बना के रख देती हूँ, फिर बाद में ठंडा करके तब मैं खाती हूँ। पता नहीं मेरी आदत है या कुछ भी लगा लो, मुझे वो पसंद नहीं आता है। मुझे गर्म खाना, करारा खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सॉफ्ट और ठंडा ठंडा खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरी प्लेट लग चुकी है और अब मैं चल रही हूँ खाना खाने के लिए। आप सब भी आइए मेरे साथ। फ्रेंड्स कैसे हैं, पूरे दिन से अब मुझे टाइम मिला है आपसे और आज मैंने आज पूरे दिन में कंघी भी नहीं की है। देखो कैसा मेरा हुलिया हो रखा है, टाइम ही नहीं मिला तो बस कंघी तो कर ही नहीं पाई इस वजह से। अब मैंने सोचा चलो थोड़ी देर छत पे आते हैं, यहाँ बैठते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। देखो देखो आपको मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और यही सब चीज़ें थी थोड़ी बहुत जो अच्छे से हो गई और आखिर का दीवार भी काफ़ी अच्छे से मन गया है ना। सुबह से कंघी भी नहीं लगाई बालों में, टाइम ही नहीं मिला, बिजी ज़्यादा थे हम। यहाँ पे देखते मेरे पति देव, पूरे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, पूरे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, क्या करें, बीवी की इतनी हेल्प जो कराते हैं है ना। कितने हेल्प करा था, अरे कभी बोल भी नहीं करा नहीं करा था, कितने हेल्प करा था नहीं करा, झूठ ना बोलो, नहीं करा था ना, क्या हेल्प करा था, सारी सारी हेल्प कराते हो। चल चल इनको दुकुड़ दुकुड़ लग रही, बंदर हो गया ना। तो चलो बस चलती हूँ, एक बार मौसम और दिखा देती हूँ आपको, काफ़ी अच्छा हो रहा है, काली काली घटाएं हो रही हैं।
ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि ऊपर शायद बंदर का डर है, वरना छत पे से जाके दिखाती काफ़ी अच्छे से। और चलते हैं भाई अपने, ये करेंगे गेट बंद जिससे कि बंदर एंट्री नहीं ले पाएंगे। और कल मैंने यहाँ से सारा धोया था क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से। और थोड़ी देर के लिए आए थे ऊपर, लाइट ऑन कर देते। गाना नहीं गा सकते, गाना नहीं गा सकते, पता चल गया कि कॉपीराइट लग जाता है और गाना नहीं गा सकते, कॉपीराइट नहीं, हाँ कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इसलिए गाना नहीं गा सकते। और नीचे आ गए, अभी इस रूम की जलाएंगे लाइट, जल गई। मैं गेट खोल देती हूँ क्योंकि दिन छिप रहा है। और यहीं पर इस ब्लॉग का करती हूँ एंड, मैं मिलती हूँ आपसे अपने न्यू ब्लॉग में, कल मिलेंगे। राखी का ब्लॉग यहीं तक था, तो यहाँ की लाइट भी मैंने जला दी। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दोनों में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।